और बात फटाफट अंदाज में देश दुनिया की और अहम खबरों की। आज जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी साथ में रहेंगे मौजूद। देशभर में आज होगी सुशासन सप्ताह की शुरुआत। केंद्र सरकार लॉन्च करेगी सुशासन सप्ताह। 10 लाख लोगों की शिकायतों का होगा समाधान। कोलकाता नगर निगम चुनाव दोबारा कराने की मांग। धरने पर बैठे सुवेंदु अधिकारी। कोलकाता निगम चुनाव में शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि लॉक करवा दिए गए हमारे विधायक 20% भी नहीं दे पाए वोट। कोलकाता नगर निगम चुनाव में फेंके गए बम। टीएमसी और सीपीएम ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा और धांधली पर शुभेंदु ने किमजोंग से ममता की तुलना की। लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बीआर अंबेडकर का हमेशा किया अपमान। पूर्व में बोले अमित शाह, मोदी जी संविधान को ही अपना ग्रंथ मानकर चला रहे हैं देश। केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या पर जेपी नड्डा ने सीएम को कहा घेरा। कायराना हरकत नहीं करेंगे बर्दाश्त। गैर कानूनी राज्यों में बदलता जा रहा है केरल। ओवैसी ने राहुल और अखिलेश दोनों पर साधा निशाना। राजीव गांधी के बाबरी मस्जिद ताले तोड़वाए और अखिलेश की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया सीक्रेट पोस्ट। कहा, आज कुछ ऑफिशियल गेस्ट के उनके घर पर आने की संभावना है। गुरुग्राम में जेपी नड्डा ने बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। कृषि संबंधित पार्टी नीतियों पर हुई चर्चा। सपा नेताओं के घर आयकर विभाग के छापे पर बोले सीएम योगी। कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। सिद्धू ने केजरीवाल को दी बहस करने की चुनौती। दिल्ली के सीएम बोले, जगह और समय बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया। देश का बना पहला निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर आज डीडीएमए की अहम बैठक। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर होगी समीक्षा। राजधानी में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 22 मामले आए। हरियाणा में आज से स्कूल टाइमिंग में बदलाव। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चलेंगी क्लासेस। छात्रों के स्वास्थ्य के चलते खट्टर सरकार का ये अहम फैसला। आज से शुरू हो रहा है एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 5 दिवसीय सत्र में सदन में कुल 5 बैठकें होंगी। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी मामले में पंजाब सरकार ने एसआईटी का किया गठन। चेन्नई सरकार ने 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। स्वर्ण मंदिर के बाद अब पंजाब के कपूरथला में शायद साहिब की बेअदबी। भीड़ की पिटाई से हुई युवक की मौत। पुलिस ने चोरी का बताया मामला। सिद्धू ने की बेअदबी मामले की निंदा। कहा, दोषियों को सार्वजनिक दी जानी चाहिए फांसी। पंजाब को अशांत करने की रची जा रही साजिश। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की सरकार। आज लोकसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे चुनाव सुधारक विधेयक। बीते 24 घंटे में देश में मिले 8 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज। गुजरात में 2 और महाराष्ट्र में 8 नए केस सामने आए। देश में ओमिक्रॉन के अब कुल 153 मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 902 मामले सामने आए। 9 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर सामने आए कोरोना के 107 मामले। पिछले 6 महीने में सर्वाधिक 1 की मौत। केरल के आलापुझा में संदिग्ध राजनीतिक हत्याओं पर राजनीतिक माहौल गर्म। 2 दिन के लिए धारा 144 लागू। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जावेद बाजवा ने कहा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को मिला 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर। खुदाई में निकली 2700 अहम कलाकृतियां। पाकिस्तान के कराची में भी क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह। कराची में ईसाई समुदाय ने निकाला शांति जुलूस। क्रिसमस थीम वाली चीजों से सजाए गए ऊंट ट्रक और कारें। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस के मौके पर तालिबान का छलका दर्द। उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद ने कहा कि यूएस द्वारा संपत्ति फ्रीज करने को लेकर अफगान को काफी नुकसान हुआ।
हांगकांग में विधान परिषद चुनाव के लिए हुआ मतदान, कानूनों में किए गए संशोधन के बाद हांगकांग में पहली बार हुआ चुनाव। फ्रांस के पेरिस में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कोविड पाबंदियों को लेकर लोगों ने किया विरोध। फ्रांस सरकार ने पब्लिक प्लेस पर फुल वैक्सीनेशन का किया था अनिवार्य नियम। यूएस के कैलिफोर्निया में क्रिसमस की तैयारियां हुई तेज, ब्लैक एंड सिल्वर रखा गया इस बार का क्रिसमस थीम। डेल्टा ओमिक्रॉन को लेकर मॉडर्ना चीफ मेडिकल ऑफिसर का बड़ा बयान, कहा ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट एक समय पर किसी को संक्रमित किया तो बन सकता है सुपर वेरिएंट। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, कम्युनिटी स्प्रेड वाली जगहों में ओमिक्रॉन के केस 3 दिन में हो रहे दुगने। अल्जीरिया में फुटबॉल समर्थकों ने कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन, फीफा अरब कप में जीत का जश्न मनाने के लिए उमड़ी भीड़, पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए किया लाठीचार्ज। अमेरिका की एमा ब्रोयस ने मिस अमेरिका का खिताब जीतकर रचा इतिहास, 100 साल के इतिहास में खिताब जीतने वाली पहली कोरियाई अमेरिकी बनी। मौजूदा वित्त वर्ष में 9 से 10% के बीच चल रह सकती अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, पीआई पोल्स ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जताई गई। एसबीआई ने करोड़ों खाता धारकों को बड़ा तोहफा देने का किया ऐलान, 7 से 45 दिन के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर को 2.90% से बढ़ाकर किया 3%। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 को पिछले हफ्ते हुआ 2.6 लाख करोड़ का घाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप में अब आई सबसे अधिक कमी। अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए बीसीसीआई ने की टीम की घोषणा, दिल्ली के बल्लेबाज यश दुल को बनाया टीम का कप्तान। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने हासिल किया सुमसेरा मुकाम, रूट बतौर कप्तान इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के नाम दर्ज हुआ एक अनोखा रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले पहले खिलाड़ी बने। शादी के बाद एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने बनाया अपना पहला बर्थडे, पति विजयन ने रखी सरप्राइज पार्टी। बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज ने मचाया धमाल, 2 दिन में ही 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा किया पार। अब थिएटर में दिखेगा अल्लू अर्जुन और शुभका का बोल्ड चेस्ट टचिंग सीन, फैंस की डिमांड पर मेकर्स विवादित सीन को हटाने का लिया है फैसला। बाजपुर टीवी में देखकर ऐसे घबराई बिल्ली, डर के मारे बैठ के नीचे जा छिपी, लोगों ने पूछा अगर सच में होता तो क्या होता, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 10 मंजिलों फंसी बिल्ली को लोगों ने जान बचाई और पेश की इंसानियत की मिसाल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो। एक शख्स अपनी कार निकालने के लिए भिड़ाया गजब का जुगाड़, वायरल वीडियो को देख लोग बोले ये तो हैवी ड्राइवर निकला।